हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं आप लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए पालविल का एक और नया एपिसोड। और आज का जो पालविल का एपिसोड है, वो शुरू करने से पहले जुड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है गाइस वो जरूर से कर देना। और गाइस, अगर अभी तक आप में से किसी भी लोगों ने, हमारे प्यारे प्यारे से दोस्तों ने हमारी पालविल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो पालविल की प्लेलिस्ट जो है वो जल्दी से चेकआउट करके आ जाना, क्योंकि हमारे जितने भी अभी तक हम लोग ने गाइस बॉसेस मारे भाई, लेजेंडरी वाले पैल्स पकड़े, इवोल्यूशन निकाले, वो सारी वीडियोस आपको हमारे पैलविल प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। और जिस गाइस जिस चीज का हमको इंतजार था, वो चीज गाइस यहाँ पे हो चुकी है। फाइनली हम लोग जो है गाइस यहाँ पे अपडेट के साथ, नए वाले अपडेट के साथ यहाँ पे आ चुके। और रेड हो गई बेस की, एक मिनट रुक जाओ भाई, कौन रेड करने आ रहे हैं, रुक जाओ। अगर ये रेड करने जो आ रहे हैं ना, इनकी बैंड बजाने तो। ए, नीचे क्या है ये नई चीज ऐड करी गई है क्या? नीचे एक हैमर और एक फूड बार बना हुआ है। आई डोंट नो ये किस काम आता है ये हैमर और फूड बार, बट एक अजीब सा हैमर और फूड बार जो है गाइस वो नीचे साइड में एक बना हुआ है। पता नहीं गाइस, काफी ज्यादा नए नए अपडेट आए, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि कौन कौन सी नई नई चीजें जो है वो यहाँ पे पाल वर्ल्ड में आई है। बट इतना कंफर्म है गाइस कि इसमें एक नया बॉस भाई इन्होंने डाला है, वर्ल्ड बॉस। अभी वो जो वर्ल्ड बॉस, एक मिनट रुक जाओ। और क्या, और गाइस पैल्स जो है ना गाइस, उनकी भी काफी ज्यादा चीजें भाई चेंज हो चुकी है। कुछ पैल्स के ऊपर बैठने से हम लोग को अभी बफ भी मिलेगा, मतलब काफी सारी अलग अलग चीजें जो है वो पैल वर्ल्ड में भी ऐड हो चुकी है। सबसे पहले तो मुझे अपनी जो पैल वर्ल्ड वाली जो आर्मी है उसको अपने पास लेने दो, उसकी मुझे जरूरत है। बाई लेवल शाइनी वाला नहीं, चार गोल्डन स्किल वाला ये भाई अपना, उसके बाद अनु भी चार गोल्डन स्किल वाला, उसके बाद लेवल 5 का ये नहीं। एक मिनट रुक जाओ, सीरियस गोल्डन स्किल नहीं थी क्या? फ्रॉस्टेलन नॉक्ड मेरा ये वाला ही है क्या? जितना मुझे पता है मेरे फ्रॉस्टेलन नॉक के पास 4 गोल्डन स्किल थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इसके पास मुझे एक ही दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों नहीं, 3 दिखाई दे रही है, 1 मिसिंग है, बट ऐसा क्यों भाई? एक मिस कहा हो गई भाई ये स्किल, दैट्स स्ट्रेंज भाई। और ये क्या है इनका? अच्छा, ये काम कितना करेंगे और खाना कितना खाएंगे उसका बार यहाँ पे बना भाई। ठीक है छोड़ो, इन सारी चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ, पहले मैं देख लूँ गाइस कि यहाँ पे कोई नई चीज़ें ऐड हुई है। पैलडेक में नए पैल्स ऐड हुए जितना मुझे पता है, पैलडेक में ना यस 112 नंबर पे एक पैल जो है गाइस वो ऐड तो हुआ है भाई, जो कि हमारा वर्ल्ड बॉस रहने वाला है। ऑल राइट, अभी वर्ल्ड बॉस कहाँ पे ढूंढे, एक मिनट रुक जाओ। एंड में ना अपनी लेवल जो है गाइस वो तो उतनी है, लेवल तो इंक्रीज नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, लेवल तो इंक्रीज नहीं हुई है। मैप पे वर्ल्ड बॉस कहीं पे दिख रहा है क्या? ओके, इन्होंने ये नाम दे दिया मुसांडा फॉरेस्ट। ओके, इन लोगों ने जो गाइस हमारे टेलीपोर्टर्स थे उनको नाम दे दिया अभी भाई। ये क्या चीज है भाई, डीप ऑफ द ड्यून्स। ओके ठीक है, चलो वो सारी चीजें छोड़ो, वर्ल्ड बॉस कहाँ पे है, दैट्स स्ट्रेंज। इसको तो हम लोग हरा चुके हैं, सारे के सारे बॉसेस को हरा चुके हैं, बट यहां पे एक वर्ल्ड बॉस आया हुआ है, इतना तो कंफर्म है, बट कहाँ पे? वेट अ मिनट बॉयज, अपडेट पक्का सुड़का हुआ है भाई यहाँ पे, वर्ल्ड बॉस भी ऐड हुआ है, लेकिन वर्ल्ड बॉस है कहाँ पे? मैप भी दिख रहा है, अगर को अच्छे से देखने दो, ऐसा कोई बॉस जिसको मैंने मारा ना हो, और भाई उससे फाइट करना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी होने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, वर्ल्ड बॉस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, गाइस गूगल बाबा की मदद लेता हूँ, और गूगल बाबा, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, गूगल बाबा की मदद लेके मैं जो वर्ल्ड बॉस है ना इसकी लोकेशन गाइस सबसे पहले निकाल लूँ, क्योंकि मे बी ये नहीं, इसको आई थिंक से कोई ना कोई चीज़ क्राफ्ट करनी पड़ेगी हमको, कोई बॉस स्पॉनर वगैरह है क्या? रिंग ऑफ मर्सी, ये क्या है? व्रैथ अटैक नॉट रिड्यूस द टारगेट हेल्थ बिलो 1 द वेट, ये क्या है रिंग ऑफ मर्सी, ये कौन सी नई चीज़ है? ओ, और माइनिंग साइड भी डालती है, अरे भाई 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 गाइस काफी नहीं, ओ पॉइजन बोर, पॉइजन एरो भी डालती है इन लोग ने यार। ठीक है, और क्या है, फायर क्रॉस बो भाई, पॉइजन क्रॉस बो भाई, ठीक है
ठीक है। और नहीं वेपन्स वगैरह आएगा इसमें, लेट मी चेक गाइस, लेट मी चेक। क्लॉक सेट, आई डोंट नो क्लॉक सेट किस काम आएगा। फर्नीचर, ओके फर्नीचर सेट है भाई, ऑल राइट, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। स्टोरेज कंटेनर नहीं चाहिए भाई, इलेक्ट्रिक माइन वगैरह नहीं चाहिए। और कोई गन्स वगैरह ऐड करी गई है क्या आप हैं? और रेफ्रिजरेटर डाल दिया भाई लोग ने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले था कि नहीं पता नहीं, अभी दिखाया मेरे को रेफ्रिजरेटर। और लार्ज सीलिंग लैंप वगैरह वही है। इधर क्या चीज़ है? लार्ज, ये बैग नहीं, स्पेयर नहीं, स्क्रैडल स्पेयर लॉन्चर है, इलेक्ट्रिक एक इनक्यूबेटर, डीएम, ऑल राइट निकालने दो। एबिलिटी क्लासेस, अबे ये क्या, इसके लिए एंशिएंट सिविलाइजेशन कोर चाहिए, वो समोनिक एटलार, ये वो चीज गाइज। ऑफर अ स्लैब डिस्म्यूट बैल समोन द बैल योर बेस, क्या टू समोन अ पावरफुल बैल टू योर बेस एंड बैटल, ओके मेरे बेस पे ना स्पॉन करूंगा मैं इसको, मैं दूर लेके जाऊंगा भाई, ठीक है गाइज। ये वो चीज है, थंडर क्लाउड, ये क्या चीज है? ट्रांसपोर्ट यू टू अ नियरेस्ट बेस, कैन नॉट यूज डंजन्स एंड अदर सिमिलर लुक्स। यार काफी सारी अलग अलग चीज ऐड करी गई है। और माइनिंग साइड लेवल 2, वो ड्यूड एंशिएंट टेक्नोलॉजी एंटिक, भाई रुको सेट करो, अनलॉक करो, अनलॉक करो भाई, ये रिंग भी बताने मुझे क्या है। और माइनिंग साइड अनलॉक कर रहा हूँ मैं भाई, तुम टेंशन न को लेना। और माइनिंग साइड कर दी, और माइनिंग साइड लेवल 2 वाली करो, लेवल 2 वाली और माइनिंग साइड कर दो अनलॉक। एंशिएंट भाई पॉइंट्स तो मेरे पास काफी ज्यादा पड़े हुए, हम लोग ने बॉसेस को पकड़ पकड़ के उठा उठा के मारा है भाई, ठीक है। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर ये नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। और माइनिंग साइड, और माइनिंग साइड बिल्ड करा दो, अरे बाबा, और माइनिंग साइड यार, इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी नहीं है गाइस, इसको ऊपर लगा दूं क्या? और यहाँ पे जगह है गाइस हमारी काफी ज्यादा, बराबर यहाँ पे वैसे हमारा काम भी नहीं कुछ होता है कि नहीं, बात बताओ है कि नहीं, सही बात। तो मैं यहाँ पे भाई और माइनिंग साइड लगा देता हूँ, नहीं ब्रो 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 थोड़ा साइड कर लो, थोड़ा साइड, थोड़ा साइड, क्या है ना भाई हमारे पैल्स वगैरह को जाने के लिए भी जगह तो चाहिए ना, ठीक है। लेवल 2 की लगा रहा हूँ मैं, पैल्स वगैरह को जाने के लिए जगह चाहिए होगी ना, ठीक है। लेवल 2 की और माइनिंग साइड लगा रहा हूँ, ठीक है गाइस, लेवल 2 बराबर डन। ऑल राइट, अपने अनुबिस को निकाल के जल्दी से इसको, अरे भाई 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 बिल्ड भी हो गया। अच्छा ये और माइनिंग साइड पे हमारा अनुबिस भी काम करेगा क्या? ओके सो यहाँ पे मिलेगा क्या मुझे? अच्छा यहाँ पे नॉर्मली और मिलेंगे मेरे को बस, ठीक है। नॉर्मल और जो है गाइस वो मिलने वाले मेरे को पीछे साइड, हाँ भाई एग्जैक्टली भाई परफेक्ट कट टू कट लगा के रखा है। यहाँ पे गाइस कोल नहीं मिल, एक कोल माइनिंग साइड डाली है भाई लोग ने, और माइनिंग साइड तो डाली है भाई, और माइनिंग साइड और एंड रिक्वायर फिजिकल एनर्जी, ये भी और माइनिंग साइड ही है, कोल माइनिंग साइड नहीं है, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर तो बाद में बना लेंगे यार, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सीलिंग लैम्प तो देख लेंगे यार मैं, ठीक है। अदर में क्या है? साइलो, साइलो नहीं चाहिए मुझे, ऑल राइट ये चीज़ है भाई। गलती से भी भूल से भी ये चीज़ का इसमें बेस पे ट्राई नहीं करना चाहता हूँ, इसमें से निकलेगा गाइस बॉस, ऑल राइट। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन में लेके चलते हैं, गलती से भी गाइस मैं अपने बेस पे इसको भाई स्पॉन नहीं करना चाहूंगा। ये क्या चीज़ है? फाइबर, अच्छा इन्होंने फाइबर, अच्छा फाइबर का लुक चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है ऑल राइट। मुझे थोड़ा स्टोन चाहिए, आई थिंक से इतना इनफ। ये क्या है? ट्रेनिंग मैनुअल, व्हाट, एक मिनट, ट्रेनिंग मैनुअल दैट ग्रांट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपी व्हेन राइड बाय अ, ऑल राइट भाई ये इससे हमारे एक्सपी बढ़ेगी पैल की, मजाक हो रहा है। लाइक काइंड ऑफ एक्सपी पोशन की तरह है भाई, स्मॉल एक्सपी पोशन की तरह है ये, इससे एक्सपी बढ़ेगी। मतलब जो हम लोग झंझट करते थे बॉसेस बिसेस को मार के, वो सारी झंझट खत्म भाई। इन्होंने पॉल अपना जो पैल स्पेयर थे उनका लुक भी काफी हद तक बदल दिया है। हाँ ये क्या है? अच्छा ये ओ टी शर्ट है अंदर वाली, अच्छा इसका लुक चेंज कर दिया गया है, ओके रिफाइंड मेटल, ठीक है ऑल राइट भाई। लुक वगैरह चेंज कर दिया गया है गाइस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का, ठीक है। अभी मुझे एक चीज़ चाहिए, वही है, ज़्यादा नहीं चाहिए थोड़े से चाहिए, और 100 स्टोन। अभी गाइस जो बॉस एटलार है ना गाइस, उसको मैं लगा के रख देता हूँ भाई आराम से कहीं पे भाई, ठीक है।
मुझे बेस से थोड़ा सा दूर जो है ना गाइस उसको लगा के रख देना। रुकना गाइस, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग इसको लगाएंगे। लगाओ कहाँ पे? मैं जोयर ग्रिसबोल्ट के पास ही लगा देता हूँ ना। पता नहीं यार इसमें से कौन सा बॉस निकलेगा भाई, कितनी खतरनाक वाली फाइट होगी। सो जोयर ग्रिसबोल्ट वाला जो ये वाला एरिया है यहीं पे मैं लगा देता हूँ। क्या बोलती पब्लिक? हाँ नीचे लगा देता हूँ, जहाँ पे पहले मेरा बेस था ना यहाँ पे लगा देता हूँ। बेस पे लगाना जरूरी नहीं ना इसको। अरे भाई हमला करने लगे। ठीक, स्ट्रक्चर मस्ट बी बिल्ट विद इन रेंज ऑफ बेस। क्या मस्ट बी बिल्ड विद इन रेंज ऑफ अ बेस? तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ भाई? अब घर जाएगा मेरा? ये बोल रहे बेस पे लगा सकते हो तुम? शाइनी, कौन सा शाइनी? रुको शाइनी जाए बाढ़ में, इसमें से लेकिन बॉस निकलेगा ना बाहर गाइस, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ आई डोंट नो भाई, मुझे थोड़ा डर लग रहा है यार ये चीज लगाने से ना। इसमें से बॉस बाहर निकलेगा ना, ये बॉस एडलार है ना? मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बॉस एडलार है। ठीक, मैं टॉप फ्लोर पे लगाता हूँ इसको क्योंकि वहां पे थोड़ा ओपन ओपन एरिया है। ऑल राइट, एंड लेट मी चेक कि ये है क्या चीज गाइस। फर्स्ट इसको हम बेस पे ही लगा सकते हैं और कहीं नहीं। एक टू ओपन समॉन एडलार। क्या समॉन एडलार? समॉन पावरफुल पैल, प्लैल पैल स्लैब रिक्वायर्ड। पैल स्लैब आई डोंट नो ये पैल स्लैब क्या होता है गाइस। ये अभी यार नई काफी ज्यादा चीजें ऐड करी गई है। पैल स्लैब रिक्वायर्ड, पैल स्लैब। एक हाथ बॉस को मार के आऊं? मैं भी बॉस को मारने से अभी हम लोग को पैल स्लैब या जो भी चीजें यार वो मिल जाए। चेक करने दो मुझे, काफी सारी नई नई चीज आई है यहाँ पे। बॉस तो वर्ल्ड बॉस तो ऐड हुआ है इतना कन्फर्म है। ठीक है, बट उसका स्पॉन जो है ना गाइस, अरे भगवान मैंने गाइस ओपन नहीं करा मेरा पैराशूट, पेटी पड़ गई मेरी। रुको, ऑलराइट ओके। सो बॉस को लेकिन घर पे स्पॉन करना भी भाई बहुत ज्यादा भाई, मतलब एक तरह से मौत को बुलाने जैसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ से नहीं, यहाँ से चल चल के जाऊँगा। मैं देखता हूँ पैल स्लैब क्या चीज़ है। बट ये बोल रहे कि घर जो है गाइस उसी में तुम लगा सकते हो, तो फिर घर में जितने भी अपने पैल है वो इस बॉस को मार देंगे। बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो बॉस मेरा घर उड़ा देगा यार। यार समझ ना आ रहा है इस सीन क्या है भाई इन गेम वालों का। ठीक है, मेरे को समझ ना आ रहा बिल्कुल भी। जब भाई हम बॉस को बनाएंगे तभी जाके हमको पता चलेगा क्या एक्चुअली में सीन क्या है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से जो है गाइस यहाँ पे निकल लेता हूँ। रुको, जल्दी जल्दी से हम लोग जो है गाइस चलते बॉस टर्मिनल के अंदर। अबे हम लोग जोयर ग्रिसबोल्ट को गाइस मार के आते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख लू पैल स्लैब वगैरह जो चीज है ये क्या है और कैसे मिलती है भाई। कैसा वन शॉट कैसे नहीं मरा भाई, मर जा। तो नहीं ये हम लोग को नहीं मिली। ठीक है, पैल स्लैब जैसे कोई भी चीज नहीं मिली मेरे को। ठीक है, एक मिनट अपना वो कहाँ है, वो बॉस कहाँ है चमन सा? रुक जाओ, यहाँ से टीपी मार के निकल लेता हूँ मैं। मैमरस को जाके एक बार मार के देख लूँ। मे बी मैमरस से जो है ना गाइस मुझे मिल जाइए जो भी चीज़ है। क्या बोलते हो, मैमरस की बैंड बजा के देखता हूँ। रुको, अरे इधर मेरे भाई, इधर बिटा ले भाई। क्या कर रहा है यार तू, क्या कर रहा भाई तू? ठीक है, मैमरस से शायद से मिल सकते हैं हम लोग को वो चीज जिसका हम लोग को जो है ना गाइस यहाँ पे तलाश है। ओके भाई तू नहीं मारना, मैं एक फटके में मार दूंगा, तेरा डैमेज उतना ज्यादा हाई नहीं जा रहा मेरा। जा रहा भाई, एक फटके में बाढ़ बजा दो भाई। ये मेरा डैमेज कम कर दिया गया है क्या? पैल का डैमेज कम कर दिया गया है क्या? 1900 था, 1900 ही है। क्या जो चीज चाहिए थी वो हम लोग को मिल गई है? एंशंट सिविलाइजेशन पार्ट लेदर। यार पैल स्लैब कहाँ से मिले गए हैं?
अभी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके बिना हम लोग जो वर्ल्ड बॉस है उससे पंगे नहीं ले पाएंगे। कैसे काम करता हूँ मैं, थोड़ी सी ना रिसर्च करके आता हूँ और देखता हूँ ये बॉस जो है गाइस ये बनेगा कैसे। इसको क्राफ्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ पैल स्लैब वगैरह चाहिए। ये कहाँ से हम लोग को जो है ना गाइस मिल सकते हैं ये मुझे चेकआउट करने दो। थोड़ा सा जो है ना गाइस मैं जाके अपडेट में भाई पढ़ता हूँ कि बॉस को कैसे क्या करके हम लोग को स्पॉन करना है और ये सारी रिसोर्सेज कहाँ से इकट्ठे करने हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, रुको गाइस, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फटाफट से गाइस। तो गाइस मैं थोड़ी सी रिसर्च करके जो है गाइस यहाँ पे आ चुका हूँ और वेट का सीन इन लोग ने ठीक कर दिया है क्या गाइस, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे इतना ज्यादा कार्बन फाइबर उठाया बट फिर भी मैं ओवर वेट नहीं हुआ। मे भी हम लोग अभी ज्यादा वेट जो है गाइस वो उठा पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है गाइस, क्योंकि वेट का सीन में भी इन लोग ने गाइस यहाँ पे ठीक कर दिया ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है चलो वो सारी चीजें साइड में रखते, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता था कि गाइस मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आया और गाइस आज हम लोग बॉस फाइट नहीं ले पाएंगे, अफसोस। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि बॉस जो है गाइस उसको हम लोग को कैसे क्राफ्ट करना है और उसको मैं अपने बेस पे बिल्कुल भी क्राफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गाइस जो वीडियो देख रहा है ना उसमें भाई उसने एक फटके में, मैं इस वाले बेस पे नहीं भाई उसको क्राफ्ट करूंगा, मैं उसको ना ऊपर वाले बेस पे क्राफ्ट करूंगा। यस उसको बेस के अंदर ही क्राफ्ट करना पड़ेगा, हम लोग उसको यहाँ वहाँ इधर उधर बाहर वगैरह कहीं पे भी जो है ना गाइस क्राफ्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग को बेस पे ही क्राफ्ट करना पड़ेगा उस बॉस को। और वो बॉस भाई इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मेरे जो पांच पांच भाई लेवल के गाइस यहाँ पे आप लोग गाइस ओपी से पैल्स देख रहे हो ये भी मे भी उसको मार ना पाए, इतना ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बॉस रहने वाला है। अभी गाइस मैं आपको बताता हूँ कि उस बॉस को स्पॉन हम लोग को कैसे करना है। सो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे इस छोटे से टर्मिनल पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है समॉन पावरफुल पैल और उसके लिए हम लोग को चाहिए पैल स्लैब रिक्वायर्ड। पैल स्लैब जो है गाइस वो हमको कहाँ से मिलेगा, यस चलो आ जाओ मैं आपको बताता हूँ गाइस कि पैल स्लैब जो है गाइस वो कहाँ से मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे जल्दी से सोने दो क्योंकि अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है, रिसर्च करते करते शाम हो गई है तो हम लोग पहले तो सो जाते हैं और सवेरे मुझे जाना है डेजर्ट में। डेजर्ट में जो चेस्ट नहीं पड़े होते गाइस उन चेस्ट को ओपन करने से या तो डंजन कंप्लीट करने से हम लोग को ये जो स्लैब्स है वो मिल सकते हैं। ठीक है तो मैं पहले तो डेजर्ट में चलता हूँ, फर्स्ट हम लोग भाई 5-10 चेस्ट ओपन करते हैं, अगर उसमें से मिला तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग देखते हैं गाइस कि डंजन कहाँ पर, फिर हम लोग को डंजन जो है गाइस वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये देखो ये जो आप चेस्ट देख रहे हो इसको ओपन करने से नहीं यार, इसमें तो कॉइन मिला है मेरे को। सो यही जो चेस्ट है गाइस इनको ओपन करने से हम लोग को स्लैब मिलने के चांसेस है। मीडियम सोल 2 मिलियन ऑल राइट, ये मीडियम शीडियम सोल नहीं चाहिए रे बाबा। ये देखो ये वाली जो चेस्ट है इसको ओपन करेंगे, डबल बैरल शॉटगन ड्रॉप करो नहीं चाहिए ना भाई, डबल बीबल बैरल जो शॉटगन है उसके लिए नहीं आया हूँ मैं, डेंजर में ही चिल्लू क्या गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे सोल तो मिल रहे गाइस, सोल तो मिल रहे बट उस लैब का सीन हो रहा थोड़ा नहीं गाइस। ठीक है एक काम करते हैं डेंजर कंप्लीट करके आते, क्योंकि डेंजर में जो चेस्ट होते हैं ना उनमें ये चीज़ें मिलने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। बाहर की वैसे भी मैंने 5-10 क्रेट्स ओपन कर लिए, ठीक है मुझे कुछ खास सामान जो है गाइस यहाँ पे नहीं मिला है और यहाँ पे सामने की तरफ मुझे एक डंजन भी दिखाई दे रहा है तो डंजन ही कंप्लीट करके आता है। डंजन में बस मुझे बॉस को मारना है और कुछ नहीं करना है गाइस, बॉस को जाना है, बॉस की बैंड बजानी है, बॉस की बैंड बजाने के बाद दो जो चेस्ट होते हैं वो बस खाली मेरे को जो है गाइस यहाँ पे ओपन करने हैं। ऑलराइट गाइस इन सबको इग्नोर मारते हैं, ये सारे के सारे A to Z पैल जो है गाइस हम लोग कैप्चर कर चुके हैं। ठीक है इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है मेरे को, हाँ अगर शाइनी मिल जाता है तो अलग बात है, शाइनी कोई पाल मिल जाता है तो अलग बात है। ऑल राइट भाई जल्दी यहाँ से हटो, ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है यहाँ से निकलता हूँ, मुझे शायद से ये वाली एंट्रेंस लेनी पड़ेगी गाइस बॉस के नज़दीक जाने के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही छोटू एंट्रेंस है भाई। ठीक है रुको आ जा भाई पहले, लेट्स गो यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा। ये 4 गोल्डन स्किल वाला है ना अपना, हाँ 4 गोल्डन स्किल वाला है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट राइट शाइनी है क्या, इट्स नॉट शाइनी, शाइनी हो तो मैं कैप्चर करूँ। ओके इसको ओपन कर लेता हूँ। नहीं यार खास कुछ चीज़ें जो है गाइस वो नहीं मिल रही हम लोग को वैसे,
अबे यार ये अटकने क्यों लग गया, पहले तो अटका नहीं करता था। ठीक है यहाँ पे जो है इस विक्सेन बॉस है, इस विक्सेन बॉस की बैंड बजाने मुझे, मैं एक पटके में मार सकता हूँ क्या इसको? 27 लेवल है, ऑलमोस्ट ब्रो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार ही दिया था समझो भाई एक पटके में। फट से हेड शॉट, फट से हेड शॉट। चलो गाइस आ जाओ, विक्सेन की बैंड बजा दी हम लोग ने। अभी इन चेस्ट में से मुझे वो स्लैब मिल रहे कि नहीं वो मुझे चेकआउट करने दो। हाँ यस गाइस मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, स्लैब फ्रैगमेंट्स बराबर, और पंप एक्शन शॉटगन भी मिली है मेरे को। रुको गाइस अभी एक बार मुझे चेकआउट करने दो कि सीन क्या है। ओके फ्रैगमेंट बैलरिन कंबाइन ऑल टू क्रिएट अ स्लैब, कंबाइन ऑल ऑल राइट। एक और डंजन कंप्लीट करना है गाइस, रुको ये स्लैब्स मुझे कंबाइन करने हैं आपस में, तब जाके जो है गाइस कुछ हो पाएगा, ऐसे ही वर्क नहीं करने वाले। रुको सो एक और डंजन का, एक और डंजन सामने की तरफ तो होता है बट मुझे लग नहीं रहा गाइस कि अभी वो स्पॉन हुआ होगा, भाई देखता हूँ रुको फिर भी। हाँ ये जो चेस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं इनको भी ओपन करते करते चलते, मे बी किस्मत ने साथ दिया तो यहाँ पे भी हम लोग को कुछ स्लैब वगैरह जो है गाइस वो मिल जाएंगे। ठीक है सो इस तरीके से हम लोग को डंजन कंप्लीट करके स्लैब कलेक्ट करने, उनको उसके बाद मुझे कंबाइन करना है। ट्रेनिंग मैनुअल, ओ एक्सपी पोशन, ये ट्रेनिंग मैनुअल जो है गाइस वो एक्सपी पोशन की तरह काम करता है यहाँ पे। ठीक है चलो आ जाओ मैं जा रहा हूँ इस वाले डंजन के अंदर, और सेम गाइस हमको जो है गाइस बॉस को मारना है और वो दो एंड वाली पेटियाँ लूटनी है, और मुझे भी ये देखना है कि उस दो एंड वाली पेटियों में से मिलता क्या है मेरे को। ठीक है सेम है डंजन, सेम डंजन है, थोड़े से चेंजेस है बस पर ऑलमोस्ट सेम डंजन है भाई। ठीक है चलो बॉस को मारते हैं जल्दी जल्दी से, ऑलमोस्ट ना मैन इट्स नॉट ऑलमोस्ट सेम डंजन, ओ ये बॉस है ना, हाँ ये बॉस है भाई। ठीक है हेलो बॉस हाउ आर यू, डार्क लेजर डाल, डार्क लेजर डाल, डार्क लेजर डाल बैस की डाल, डार्क लेजर भाई, क्रिस्टल विंग डाल, क्रिस्टल विंग डाल भाई, ये लो बेटा क्रिस्टल विंग भी डाल दिया, नाइटमेयर बॉल ये लो बेटा नाइटमेयर बॉल, उसके बाद डार्क एनर्जी वाली बुलेट्स खा लेता है, खत्म बॉस। चेलो को मारना है बस, अभी चेले बचे हुए हैं, चलो चेलो को भी बैंड बजा दिए। अभी गाइस देखता हूँ यहाँ से कौन से स्लैब मिलते हैं, सेम स्लैब मिलेंगे। थर्मल टी शर्ट, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अलग से स्लैब मिले ऐसा क्यों, एक मिनट यहाँ पे कुछ अलग स्लैब मिले, अनकॉमन, ओके गॉट इट, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया सीन गाइस यहाँ पे क्या है भाई, मैं आपको बताता हूँ सीन एक्चुअली में गाइस यहाँ पे ये है कि जो बॉस रहेगा वो तीन टायर में रहेगा, एक कॉमन, एक अनकॉमन, एक रेयर, चार टाइप में, कॉमन अनकॉमन रेयर और मे बी इपिक। सो जिस टायर वाले हमको स्लैब मिलेंगे उन स्लैब्स को हमको कंबाइन करके वो जो भी चीज़ है वो बनानी है, और उस टायर का बॉस गाइस यहाँ पे स्पॉन होगा, समझ गए गाइस। बट सबसे बड़ा सवाल, ओके ये रहा, ओके रेयर और इपिक, रेयर और इपिक दो ही टायर है, तो रेयर के लिए ओके मुझे दो और चाहिए, उसके बाद मैं ये बना पाऊंगा, और इसके लिए चार, ओके ठीक है, मतलब मुझे कॉमन वाले दो चाहिए ना, तो एक काम करता हूँ कॉमन वाले तो मुझे कॉमन डंजन से मिल सकते हैं क्या, यहाँ पे एक डंजन होता है इसको कंप्लीट कर लूँ तो मुझे कॉमन वाले स्लैब में भी मिल जाए। हाँ लेकिन यहाँ पे बॉस भाई 5-10 लेवल का ही रहेगा, ज़्यादा हाई लेवल का बॉस नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डंजन, डंजन तो है, डंजन तो है, 13 लेवल का बॉस है गाइस, ज़्यादा हाई लेवल का बॉस नहीं है। चलो मैं अंदर जाके देखता हूँ गाइस, अंदर चल के देखते हैं हम लोग क्या सीन है क्या नहीं है, बस मुझे बॉस को मारना है, और यहाँ से भी अगर मुझे स्लैब मिल जाता है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है गाइस फायदेमंद साबित हो जाएगा। इधर ही इधर, पता नहीं कौन से डायरेक्शन में जाऊँ यार, लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे मुझे बॉस मिल जाए बोल नहीं सकते, लेट मी चेक, ओ बॉस के पास तो एसी पहुँच गया। ठीक है चलो आ जाओ, इस बॉस की बैंड तो मैं एसी बजा दूँ भाई एक फटके में, ये ले भाई ख़त्म, तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी फाइट, ख़त्म भाई भाई 28,000 का डैमेज दिया इन लोग को मैंने। ठीक है सो यहाँ पे हाई ग्रेड टेक्निकल मैनुअल,
और यहाँ पे एक एक ही मिला, मतलब जो लो लेवल के बॉसेस वाले डंजन से, इसमें हम लोग को स्लैब काफी कम कम मिलेंगे। ऑल राइट, इसको ड्रॉप कर लो। ये क्या चीज़ है? हाई टेक्निकल मैनुअल, यूज्ड फ्यू टेक्नोलॉजी पॉइंट्स कन्फर्म। ओके, ये टेक्नोलॉजी पॉइंट वाली है और ये हमारी ट्रेनिंग मैनुअल जो है वो एक्सपी के काम आएगी। शॉटगन की वो डाल दो, ये रेयर वाले थर्मल ड्रॉप करो, नहीं चाहिए मेरे को। ऑल राइट, चलो आ जाओ, लेट्स गो। जल्दी से गाइस मैं भी यहाँ पे निकलता हूँ। मुझे पता है डंजन्स कहाँ पे हैं। यहाँ पे एक डंजन है, डंजन को कंप्लीट करना है। कॉमन वाले अगर मुझे एक और गाइस स्लैब मिल जाता है मुझे कॉमन वाला, हेलो लाड़ में भाई शॉटगन से उड़ा देगा बाबा। कॉमन वाला अगर एक और स्लैब मिल जाता है तो मैं वो कॉमन वाला बॉस का जो स्लैब है वो बना पाऊंगा, फिर हम लोग उससे फाइट जो है गाइस वो भी कर पाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक डंजन तो होना चाहिए। मैन डंजन, अभी डंजन कहाँ पे ढूंढने चले? आइस बाम में चल ले गाइस, क्या बोलते हो? आइस बाम में चलते गए, चलो आ जाओ। रिंग ऑफ ड्रैगन रेजिस्टेंट, व्हाट? ऑल राइट, ये नई चीज है, ये ड्रैगन रेजिस्टेंट वाले रिंग जो है गाइस वो मुझे कभी नहीं मिली थी। अच्छा, ये रिंग मे भी इन लोग ने नई ऐड करी होगी, ड्रैगन रेजिस्टेंस वाली। हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे नई वाली रिंग ही ऐड करी होगी इन लोग ने गाइस। ठीक है चलो, नाउ मुझे पहले तो घर पे जाके सामान जो है गाइस वो सारा का सारा रखने दो, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। फर्स्ट ये जितना भी सामान मुझे मिला है, अरे यार कौन आ गया हमारे बेस पे हमला करने के लिए? ओके, एक्सपी पोशंस रूबी नहीं डालना, ये एक्सपी पोशन डालने हैं यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद ये यहाँ पे डालूंगा मैं रूबी वगैरह। ऑल राइट, ठीक है। अभी गाइस मुझे चलना है भाई डंजन कंप्लीट करने के लिए। मुझे आइस बाइम में कुछ डंजन से ऐसा पता तो है, लोकेशन तो पता है आइस बाइम वाले डंजन की, मैं वहीं पे जाता हूँ उन डंजन को कंप्लीट करते। बस बॉस को मारना है बस, और कुछ नहीं गाइस। बॉस को मारने के बाद हम लोग को जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। हाँ, बस वो डंजन ढूंढ पाऊँ मैं। एक यहाँ पे डंजन तो था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं गलत नहीं हूँ तो एक यहाँ पे डंजन था, ये रहा। हाँ ये रहा, कितना लेवल है? 45 लेवल बॉस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 45 लेवल वाले बॉस की तो बैंड में ऐसी बजा दूँ, बस मुझे कॉमन वाले गाइस वो क्रिस्टल जो चाहिए वो मिल जाए और कुछ नहीं भाई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के टॉम्बैट भाई, 41 लेवल का टॉम्बैट मिल रहा होगा, कर लेता हूँ कैप्चर को। डर नहीं लगता भाई, हो जा कैप्चर। 41 लेवल का टॉम्बैट गाइस, मैंने इतने हाई लेवल का कैप्चर नहीं करा है कभी। ठीक है, इतने हाई लेवल के टॉम्बैट को हम लोग ने कैप्चर नहीं करा है, तो इसलिए मैं अभी इसको कैप्चर करने के लिए लेजेंडरी यूज करने पड़ेंगे लग रहा है मेरे को। नहीं, हो गया गाइस, हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते जल्दी जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से खतरों का सामना करना पड़ता है मुझे। मैं सीधा बॉस को मारने के लिए जाऊँ, कहाँ से जा सकते हैं गाइस? कौन से वाली गुफा में से जाना पड़ेगा बॉस को मारने के लिए? लेफ्ट और राइट? मैं भी इधर, तो किसी गुफा में आ गया मैं। ठीक है रुको यार, ये भूल भुलैया होती है भाई। ठीक है, इधर में भी यार बॉस की बैंड बजानी है बस। हाँ भाई, लेट्स गो, डिवाइन डिजास्टर डाल देता हूँ राइट यार बॉस। भाई को कैप्चर कर लेता हूँ गाइस मैं, अगर मेरे डिवाइन डिजास्टर से बच गया तो, डिवाइन डिजास्टर से बच गया तो इसको भाई कैप्चर जरूर से करूँगा मैं। चला जा भाई, डिवाइन डिजास्टर से बच गया भाई अपना ये बॉस। अरे 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 रेंडियर भाई, इतना क्या भाई, इतना क्या मारने के लिए आ रहा है? मेरी एआर की गोलियां खत्म है, वरना एआर से और भाई हेल्थ लो करने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही गाइस हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल वाले वो मिल जाए। ठीक है, मिले तो है कुछ चीज़ें, जरा एक बार मुझे चेक करने दो। चार हो गए मेरे पास वो स्लैब। ये वाला मिला मुझे, ठीक है। एक और डंजन कर लेता हूँ, रुको एक और डंजन करते हैं, एक और डंजन। लेकिन होगा कहाँ पे ये मेरे को पता नहीं गाइस, आई डोंट नो।
एक और डंजन कहाँ पे मिलेगा मेरे को? रुको, एक और डंजन, एक और डंजन कंप्लीट करना है, बट डंजन कहाँ मिलेगा? रुको, मुझे ढूंढना पड़ेगा गाइस डंजन, इसे काम नहीं होगा। डंजन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि डंजन में गाइस हम लोग को स्लैब मिलेंगे, और उन स्लैब्स के बिना जो है गाइस हमारा काम नहीं होगा। डंजन्स कहाँ हो सकते यार, ये अलग प्रॉब्लम है। डेजर्ट में ढूंढने से मिल जाएगा एक्चुअली में ना। हाँ, डेजर्ट में ढूंढने से मे भी मिल जाए मुझे। रुको एक काम, क्योंकि यहाँ पे ना उतने आसानी से दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा झाड़ वगैरह है ना गाइज, झाड़ियाँ वगैरह है जो है। तो हाँ, मिल गया डंजन, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। 45 लेवल का बॉस यहाँ पे भी अंदर गाइज, ठीक है चलो आ जाओ गाइज, इसको भी मारते हो। और वो स्लैब गाइज कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, तो उस स्लैब की हम लोग को जो है गाइज बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है गाइज, ज़रूरत है। सीधा बॉस के पास जाना है, फालतू भाई बकवास नहीं। यहाँ पे ये सब पैल में कैप्चर कर चुका हूँ जो यहाँ पे दिख रहे हो। आई डोंट नो, सेम सेम गुफा है, सेम गुफा है, सेम गुफा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बॉस होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके नाइस, ठीक है 45 लेवल लुनारिस, ठीक है भाई देखते चलो। नाइटमेयर बॉल डाल, ओके क्रिस्टल विंग से मरना जाए यार, डर लग रहा है तेरा। कैप्चर कर रहा हूँ इसको भी मैं, इसलिए गाइस ठीक है, लुनारिस को भी कैप्चर कर रहा हूँ। 45, अरे यार ये तो 44 लेवल की है, बाहर दिखा रहे थे 45 लेवल का बॉस मिलेगा, बट ये तो 44 लेवल के भाई, मतलब हमारे साथ गाइस यहाँ पे चीटिंग हुई है गाइस, गद्दारी करी है गाइस इन लोग ने। ठीक है चलो एक काम करता हूँ अभी मैं, जल्दी जल्दी से जो है गाइस यहाँ पे ये वाले चेस्ट जो है गाइस ये ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ इसमें से। नहीं गाइस, मुझे थोड़े से लो लेवल वाले बॉसेस जो होंगे ना गाइस वो गुफाएं ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो हाई लेवल वाले बॉसेस वाली गुफाएं ना गाइस उससे काम नहीं चलने वाला मेरा, ठीक है गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं वापस से डेजर्ट में, और मुझे एक और डंजन गाइस यहाँ पे ढूंढते ढूंढते डेजर्ट में मिल चुका है, ठीक है। और इसमें 38 लेवल का बॉस है, मैं लो लेवल वाले बॉसेस वाले डंजन जो है गाइस वो ढूंढ रहा हूँ, हाई लेवल वाले बॉसेस वाले जो डंजन है उसमें से मुझे वो ये वाले स्लैब मिल रहे हैं। ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं पहले कॉमन वाले को मार के देखूंगा, डायरेक्टली हम लोग हाई लेवल वाले को मारने के लिए नहीं जाएंगे पागल की तरह, वरना वो ही हमारी बैंड बजा देगा। सो इसलिए जो है गाइस मैं अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए उम्मीद कर रहा हूँ कि इस गुफा में से मुझे जो है गाइस वो कॉमन वाला स्लैब जो है गाइस आखिरी वाला मिल जाए, ठीक है। रुको मुझे, लेट मी चेक यहाँ पे भाई। तीन रास्ते है क्या? अरे यार ये गुफा पूरी भूल भुलैया होने वाली है गाइस। तीन रास्ते है गाइस यहाँ पे, पता नहीं बॉस टर्मिनल पे कौन सा रास्ता लेके जाता है, ठीक है पूरी भूल भुलैया होने वाली है। अरे यार अभी यहाँ पे भी, ओके 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 मैं सही जा रहा हूँ। कॉमन वाला मिल जाएगा इस मुझे स्लैब, बस और कुछ नहीं भाई। इससे आगे भाई बॉस शायद से होगा, ठीक है उड़ जाओ उड़ जाओ। ये रहा भाई, ये रहा बॉस के पास पहुँच गया मैं। यस ओके, केलिप्स क्या, केलिप्स ही ना, ठीक है डिवाइन डिजास्टर डाल देता हूँ। भाई का बैंड बज गया, मैं कैप्चर करने की सोच रहा था, बट मेरी डिवाइन डिजास्टर से ना ये बहुत ज़्यादा गद्दी मौत मरा है भाई आप में, ठीक है चलो। सो कॉमन इन्वेंट्री फुल, ऑल राइट। यार वाई क्यों नहीं मिल रहा मेरे को कॉमन वाला, ये क्या बदतमीजी है यार। मुझे कॉमन वाला एक फ्रैगमेंट चाहिए आखिर वाला, बट वो नहीं मिल रहा मेरे को। एक और डेंजर हो सकता है इधर कहीं पे, ऐसा क्यों भाई? आखिरी फ्रैगमेंट के लिए गाइस मैं तरस रहा हूँ, मेरी इन्वेंट्री भी फालतू में फुल हो चुकी है, रुको जिसके रीजन से मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है गाइस उठा नहीं पा रहा हूँ। रुको ये ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट डाल दो रे, नहीं चाहिए मेरे को। और रेयर वाली थर्मल ना, थर्मल रेयर पड़ी है मेरे पास, नहीं चाहिए भाई। ठीक है चलो अभी चलते आगे, एक और डंजन देखता हूँ मैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। इसमें से मुझे क्या मिला फिर, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये वाली गुफा में से मुझे कोई भी तरह का फ्रैगमेंट जो है गाइस वो नहीं मिला है।
क्योंकि वो पिक वाले भी मेरे पास अभी भी तीन ही पड़े हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे एक डंजन है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए यार, प्लीज प्लीज भाई प्लीज। 20 आ रहे, 38 लेवल, ठीक है। उम्मीद कर रहा होगा इसकी मुझे कॉमन वाला एक फ्रैगमेंट बस भाई, आखिर का एक फ्रैगमेंट चाहिए वो मिल जाए यार यहाँ से। ठीक है, चलो आ जाऊँ। इधर आ भाई, बिठा ले बाबा, बिठा ले बिठा ले। ठीक है, कंटी मारो यहाँ से। ये एक ही एग्जिट थी शायद, पता नहीं। ये पुल जल्दी आ गया, इस पुल के बाद जो है गाइस वो डायरेक्टली बॉस फाइट होती है। ये गुफा थोड़ी सी अलग है, डिसीजन तो लेना है कि कहाँ पे जाना है। रुको, गलत जगह आ गया, इधर नहीं जाना है, इधर घुसना है। अरे हटो रे बाबा, क्यों उंगली कर रहे हो भाई लोग। चेस्ट ओपन करके आ जाता हूँ, मे बी इन चेस्ट में हम लोग को मिल जाएगा जो चाहिए। ट्रेनिंग मैनुअल, ट्रेनिंग मैनुअल तो भाई कचरे की तरह मिल रहे मेरे को। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये तो द एंड है। हाँ, द एंड ब्रो, द एंड निकला गाइस। तो जाओ का, एक तीसरी जगह है। सीन क्या है, नहीं मैं यहां से ही तो आया था बराबर, मैं यहां से पहले आया, फिर मैं इधर भी गया, मैं उधर भी गया। यहां पे कितने एंट्रेंस है जरा एक बार देखने दो मुझे। हटना भाई, यहां पे 1 2 3। ओके, ये वाली मैंने चेकआउट नहीं करी है, रुको, ये वाली चेक नहीं, ये तो द एंड है, ये भी द एंड है यार। ये गुफाएं जो है गाइस वो बहुत ज्यादा भूल भुलैया भाई, भूल भुलैया की तरह है। ठीक है, ऑलराइट, एक काम करो यहाँ से बाहर निकलो पहले। ठीक है, ओके, ये वाला भी कंप्लीट कर ले, यहाँ से बाहर निकलो। ओके, ये किसी नई लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं। हाँ, ये बॉस फाइट हो सकती है, मे बी आई डोंट नो। एक मिनट रुक जाओ, हटो भाई, क्यों मार रहे हो फालतू में, पूरी तरीके से घूम गया हूँ यहाँ पे भाई, पूरी तरीके से घूम गया हूँ। रुको, यहाँ से क्या है, हाँ पहुंच गया फाइनली भाई, पता नहीं कैसे बट पहुंच गए कैसे हम लोग यहाँ पे। मैं तो एग्जिट ढूंढ रहा था भाई, लेकिन पहुंच गया भाई यहाँ पे। चलो क्रिस्टल विंग डाल दे भाई इसको, डम मेड को, 36 लेवल का ही है, तो मुझे लग रहा है जो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए थी वो मिल जाएगी। ठीक है, डम मेड भाई फट से, चलो सबको कैप्चर करा, तेरे को भी कर लेता हूँ। अब बस एक बारी में कैप्चर नहीं हुआ तो शॉटगन की गोली खाएगा बेटा। ठीक है, एक बारी में कैप्चर होना है, डन हो गया। चलो आ जाओ, बस अभी जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए मेरे को। स्लैब मिला तो है गाइस, हाँ मिला तो है, बट जो चाहिए था वही मिला या फिर कोई और मिला है। ये चार मिल गए गाइस, लेट्स गो, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। टीपी कहाँ पे, नज़दीकी नज़दीकी टीपी मुझे मिलेगा इस पहाड़े के ऊपर, पहाड़े के ऊपर बॉस वाले टीपी जो है गाइस वो लेना पड़ेगा मुझे डायरेक्टली। हम गोइंग, ओके ये रहा। ठीक है गाइस, चलो ये बॉस वाले टीपी लेके सीधा घर पे चलते हैं, पहले तो मैं सो जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे रात हो चुकी है और सवेरा होते ही गाइस हम लोग हमारा काम जो है गाइस वो शुरू कर देंगे, इस स्लैब को कन्वर्ट करके उस एक चीज़ में कन्वर्ट करना, वो कुछ बुक की तरह दिखने वाली चीज़ थी ना वो बनाने का काम, और उससे हम लोग को बॉस फाइट लेने। बट बॉस फाइट मैं लूँगा कौन से बेस पे, माइनिंग वाले बेस पे नहीं ले सकता मैं, ऊपर वाले बेस पे ही लूँगा गाइस, जो हमारा ब्रीडिंग है ना गाइस, ब्रीडिंग सेंटर। क्योंकि इस बेस पे अगर मैंने ली और समझ लो मेरा पूरा का पूरा घर उड़ गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो बॉस फाइट है ये हम लोग ऊपर वाले बेस पे ही लेंगे, अपने ब्रीडिंग फार्म पे। ऑलराइट गाइस, ब्रीडिंग फार्म पे ही लेंगे। रुको,
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज बनानी बराबर। अनुबिस आ जा। बैलेनियर स्लैब। अभी क्या मैं इस स्लैब की मदद से बॉस को स्पॉन कर सकता हूँ ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार गाइस। ठीक है पता चला और कोई चीज चाहिए सो मुझे एक बार चेक करने दो कि इस स्लैब से मैं इस बॉस को स्पॉन कर भी सकता हूँ या नहीं। क्या ना हाँ ओके पुट बैलेनियर स्लैब देयर। ओके नाइस 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 कर सकता हूँ। समाउन पावरफुल पैल लिख के आ रहा है। ओके तो इस स्लैब से मैं बॉस को स्पॉन कर सकता हूँ बट इस बेस पे नहीं अगले एपिसोड में उस वाले बेस पे जो है गाइस ब्रीडिंग वाले हम लोग उस बॉस को स्पॉन करेंगे और गाइस वर्ल्ड बॉस से अगले एपिसोड में हमारी फाइट होने वाली। तो अगला वाला जो एपिसोड होगा पैल बिल्ड का वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बाकी अगर आज का ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला अगले एपिसोड में तो अगला एपिसोड पैल बिल्ड का बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में पैल बिल्ड के। बाय बाय गाइस सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। बाय बाय। Late now, I remember you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.